आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। सोनभद्र आजादी के 75 वर्ष के बाद रेणुका पार के लोगों को मिला पुल की सौगात। रेणुका पार के ग्रामीण आजादी के पुर से ही नाव के सहारे नदी पार कर अपनी रोजमर्रा की खरीदारी कोर्ट कचेरी अस्पताल व स्कूल आते जाते रहे हैं। रेणुका नदी पर 73,25,43,000 की लागत से बना पुल को पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को समर्पित किया। मंत्री जितिन प्रसाद ने लोक निर्माण विभाग के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। रेणुका नदी पर बने पुल का उद्घाटन करते हुए बताया है कि पुल प्रदेश सरकार की अच्छी नीतियों की बदौलत लक्ष्य से बताते चले लगभग एक वर्ष पहले ही बनकर तैयार हो गया है। पुल का निर्माण सेतु निगम की देखरेख में किया गया। पुल के निर्माण 486.20 मीटर और चौड़ाई लगभग 15.614 मीटर है। आज ऐतिहासिक पल की हम सब साक्षी बन रहे हैं। जोरदार तालियां बजनी चाहिए, एक के बाद एक। आप देख सकते हैं किस प्रकार शिलान्यास हो रहा है, आने वाली योजनाएं परियोजना जिनका लोकार्पण दिवस सुनिश्चित किया जाएगा पटन नवागत के और उनके साथ और की इसको दे दो भी दूर रख लेना। आपके बीच में आने का अवसर मिला है मेरे लिए, और कोई भी हो सार्वजनिक जीवन में या किसी खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।